As I promised, मैं फिर से वापस आ चुका हूं नए वीडियो के साथ और आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 आइडल्स के बारे में जिन्होंने 2021 में फुल मचा दिया अपनी टीमों के साथ। एंड ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी एक बोनस जरूर होगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो का लाइक गोल रखना चाहूंगा 600 लाइक का, जरूर से 600 लाइक पे पहुंचा देना। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 3K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास आ चुके भाई लोग। ज्यादा वक्त ना ज़ाया करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्री फायर की दुनिया के टॉप 5 आइडल्स 2021 के लिस्ट में पहला नाम फौजी भाई का है। और क्यों मैंने ये दिखाया आप लोगों को समझ गया होगा, हैवी ड्राइवर। यस, आप लोगों के चहीते फौजी भाई जो टोटल गेमिंग के आईजीएल हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस साल पूरा प्रदर्शन किया है, मुजाहरा किया है, उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए कि वो क्यों इस लिस्ट में है। क्योंकि एक तो उन्होंने प्रो लीग जैसा टाइटल जिताया जब टोटल गेमिंग की टीम टोटल डाउनवर्ड पोर्शन पे चल रही थी, उस सिचुएशन से कैसे कमबैक कराया उन्हें अपनी टीम को एंड जीत दिलाया प्रो लीग जैसे टाइटल में, वही अपने में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यहीं पे रुके नहीं, FFAC मतलब एशिया चैंपियनशिप में उन्होंने फीनिक्स फोर्स जैसी टीम को मात दिया। क्योंकि जब कोई टीम थाईलैंड, इंडोनेशिया ऐसे सब टीमों को मात देता है और स्पेशली इंडियन रीजन में, वो एक अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि उस रीजन से हमारे इंडियन टीम का स्किल गैप कितना है और उन्होंने उनको रोटेशन में बहुत क्लियरली मात दिया। हाँ, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो इंप्रूव कर रहे हैं एंड इसीलिए फौजी भाई का नाम इस लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहूंगा। मेरे लिस्ट के अगले खिलाड़ी हैं ओरांगोटांग एलीट के आइकॉनिक। ऑब्वियसली जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। आइकॉनिक अपने आइकॉनिक गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं, अपने नेडिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं और कैसे हम भूल सकते हैं, वो उस टीम के आईजीएल भी हैं। एंड देखिए, एक चीज होता है ना कि जब आपका दिमाग सही से काम करता है आपके हाथ पैर भी बहुत सही तरीके से काम करते हैं। दिमाग अगर उल्टा सीधा काम करने लगता है तो आपके हाथ पैर भी ना इधर उधर चले जाते हैं। तो आइकॉनिक ओरांगोटांग एलीट के एक दिमाग है। किलर, पहाड़ी, RDP, जॉन्टी, ये सारे ना उस टीम के हाथ पैर हैं और दिल कह सकते हो, दिलो जान कह सकते हो। तो आइकॉनिक जिस तरीके से अपनी टीम को लीड कर चुके हैं ना, आई डोंट थिंक कि वो भी क्यों इस लिस्ट में शामिल है आप लोगों को या फिर मुझे कोई डाउट है इस चीज में। क्योंकि एक तो एशिया चैंपियनशिप में उन्होंने सबका दिल जीता, वो आखिरी मैच में बूया निकाल के, फिर इतने सालों से चल रहा था कि क्या टीम लीड एक ऑफिशियल टाइटल जीत पाएगी, वो भी जंजीर को इस साल उन्होंने तोड़ दिया है। हालांकि एक पॉइंट से जीता है और फिर भी उन्होंने जीता है और उस टीम को जिताने के पीछे आइकॉनिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड इसीलिए वो मेरे लिस्ट के दूसरे खिलाड़ी बन रहे हैं। मेरे लिस्ट के तीसरा आईजीएल है फैब इंद्रो, सिक्स सेंस के फैब इंद्रो। जिस तरीके से उन्होंने पूरे साल में गेम प्ले दिखाया है, आईजीएलिंग किया है अपनी टीम के लिए, काबिले तारीफ है। ट्राई सीरीज जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिक्स सेंस को पहले जीत दिलाया, उसके बाद TSM जैसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, ये पूरी की पूरी सिक्स सेंस की लाइनअप, जहां पे उनके लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आई और इनको उन्होंने उठाया और इन्होंने ESPL जीता TSM के नाम से। हाँ, हालांकि उसके बाद काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्होंने जुड़े हुए थे, एंगेज हो गए थे, उससे अभी उभर चुके हैं। 2022 में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सिक्स सेंस के फैब इंद्रो से और सिक्स सेंस की पूरी लाइनअप से एंड आई फील कि 2022 में वो फिर से कमबैक करने वाले हैं। और जिस तरीके से उनमें वो क्षमता है ना ठंडे दिमाग से गेम को लीड करने का, So, उस वजह से आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन 2022 भी मैं सिक्स सेंस के इंद्रो को जरूर डालना चाहूंगा। इस लिस्ट के चौथे आईजीएल है निवेश। यस, आपके तड़कते भड़कते एकदम यंग एंग्री मैन निवेश, जिसको नेडिंग से खेलना बहुत मतलब नेडिंग करना क्या, नेड तो ये नेड से ही खेलता है, गन ये ऐसे ही निकालता नहीं है। हम कास्टिंग डेस्क पे बहुत बार कह चुके हैं कि ये तो कुछ अलग लेवल जा चुके हैं अपने नेडिंग स्किल्स के साथ। हाँ, एलेवेरो की एबिलिटी को जिस तरीके से इस प्लेयर ने सबको सिखाया है ना, और अब तो एक अलग लेवल पे लेके जा चुके अपने गेम प्ले को एंड उसके ऊपर गॉड लाइक जैसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। कहां से जर्नी शुरुआत किया था, कैप्टन्स, उसके बाद सिक्स सेंस, उसके बाद XTC, देन अगेन बैक टू सिक्स सेंस, उसके बाद खुद कैप्टन में वापस आए, फिर से ब्लाइंड ईस्पोर्ट, उसके बाद फिर से गॉड लाइक में। एक बहुत अच्छा जर्नी रहा है ऑल इन ऑल टोटल। FFCO में जीत हासिल करने के बाद से इस प्लेयर ने अपने टीम को पीछे मुड़ के देखने को बोला नहीं है और अब तो एक नेक्स्ट लेवल जा रही है और नेक्स्ट लेवल लाइन पे चल रही है, ट्रैक पे चल रही है गॉडलाइक की टीम। रिसेंटली अभी विलेजर ईस्पोर्ट्स जैसे टूर्नामेंट में जीत हासिल किया है। 2022 आई होप कि गॉडलाइक और शानदार परफॉर्मेंसेस दे और आप लोगों का दिल जीते, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था कि गॉडलाइक का नाम क्यों नहीं आया था जब मैंने बेस्ट टीम का नाम रखा था, 5 बेस्ट टीम्स ऑफ 2021 का नाम रखा था, गॉडलाइक क्यों नहीं आई थी। यहां पे निवेश का नाम मैंने जरूर से रखा है क्योंकि उसने उतना मेहनत किया और आई फील कि वो प्लेयर इस लिस्ट के चौथे आईजीएल बनने का एक हकदार है। मेरे लिस्ट के आखिरी आईजीएल है वासियो। यस,
ये बंदा एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एज अ प्लेयर एक एक्सपीरियंस है, आई थिंक बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल है। और हम हमेशा कहते हैं कि आप एज अ प्लेयर यू नो बहुत कुछ सीख सकते हो, बट एक्सपीरियंस आप खरीद नहीं सकते हो, या फिर आप उसे ऐसे सीख नहीं सकते हो। आपको जितना ज़्यादा आप मैचेस खेलोगे, जितना ज़्यादा आप ऑफिशियल टूर्नामेंट में खेलोगे, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलोगे, उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। एंड इस वजह से उन्होंने इस साल फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जो समर हुआ था वहां पे जीत दिलाया था गैलेक्सी रेसर्स की टीम को। वहां पे एक नई लाइनअप थी, अभी भी निग्मा गैलेक्सी के अंदर उन्होंने अपने टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया, जो कि बहुत लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, क्योंकि फिर से उन्होंने एक नया टीम बनाया था 2022 में। बहुत ज्यादा आशाएं हैं यहां पे वासियो भाई से, क्योंकि उन्होंने इस साल में इंडिया चैंपियनशिप के बाद बहुत शानदार तो कुछ दिखाया नहीं है यहां पे परफॉर्म करके, बट हालांकि उनसे हमेशा हमें हमारी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि वासियो जब तक है तब तक उम्मीद बनी रहती है, ये जनता हमेशा कहती है। 2022 वो साल होने वाला जहां पे वासियो फिर से कमबैक करते हुए दिखेगा निग्मा गैलेक्सी के साथ, और इसीलिए वो मेरे लिस्ट के आखिरी आईजीएल भी बनते हैं। पिछली बार जब बेस्ट 5 टीम्स के बारे में बात कर रहा था, मैं एक बोनस लेके आया था ना, इस बार भी एक बोनस जरूर से है। सो टॉप 5 आईजीएल तो हो चुके हैं, बट एक और आईजीएल का नाम मैं इस लिस्ट में शामिल करना चाहूंगा इन 5 नामों के साथ, वो है केमिन ईस्पोर्ट्स के राधे ठाकुर। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने इस साल में कमबैक किया है, क्योंकि उनका एक बैन पीरियड चल रहा था, उसके बाद उन्होंने 2021 में कमबैक किया है, और कमबैक करने के बाद से कंट्रोवर्सीज में थोड़े से जुड़े हुए थे, जिस वजह से यू नो वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे थे, बट निवेश को अगर किसी ने नीडिंग में टक्कर दिया है वो राधे ठाकुर है। और उसके बाद केमिन ईस्पोर्ट्स का मोर्चा संभाला, क्योंकि बहुत दिनों से डेड सोल संभाल रहे थे 4 अनोन का मोर्चा, बट वो जब से टीम से बाहर गए हैं, जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केमिन ईस्पोर्ट्स के राधे ठाकुर ने वो मोर्चा बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और रिस्पॉन्सिबली संभाला है। उन्होंने रिसेंटली विंटर इन्विटेशनल जीता है जहाँ पे वो आईजीएल कर रहे थे। हाँ, वहाँ पे केमिन ईस्पोर्ट्स की टीम के साथ बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, बट उन्होंने वहाँ पे भी आईजीएलिंग स्किल्स के साथ अपना एक बेस्ट दिया और अपनी टीम को जीत दिलाया, और इवन MVP भी बने विद 63 किल्स, विच इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और उसके बाद वहीं पे नहीं थमे, क्योंकि काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स भी चल रहे, वहाँ पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है केमिन ईस्पोर्ट्स के राधे ठाकुर का। एंड आई होप 2022 में राधे ठाकुर केमिन ईस्पोर्ट्स को लेके काफी बड़ा कुछ देख रहे हैं, एंड उनका पहला टारगेट शायद प्रो लीग होगा, क्योंकि प्रो लीग जनवरी के 8 तारीख से शुरू होने वाला है। ही इज आल्सो वन ऑफ द आईजीएल एंड द प्लेयर वॉच आउट फॉर इन 2022 एज वेल, इसीलिए वो मेरे बोनस आईजीएल के नाम में शामिल जरूर से हो। ये थे मेरे टॉप 5 आईजीएल्स और 2021 फ्रॉम फ्री फायर की दुनिया, और आप लोगों का कौन से टॉप 5 आईजीएल्स होने चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमेशा बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगले आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ आने वाले, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे सेफ गाइस।